जनाब स्पीकर, सेहत के शोबे में बेहतरीन सहूलियात की फरहमी हमेशा से मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीह रही है। तैयब उर्दुगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़, सेहत कार्ड और डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्थ अथॉरिटीज़ का क़याम हमारी ही हकूमत के इनकलाबी इकदाम हैं। आइंदा माली साल में भी सेहत के शोबे में सूबाई, ज़िलाई और मकामी सतह पर किए नए इकदाम मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। आइंदा माली साल में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल से 27% ज़्यादा हैं, जिनमें 296 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात और 174 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, कैंसर और दिल के अमराज की तरह गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज भी एक इंतहाई महंगा और संगीन मसला है। इस मकसद के लिए मरीजों को अमूमन बैरून मुल्क जाना पड़ता था। मुस्लिम लीग नून की हकूमत ने इन अमराज के इलाज के लिए सूबे में PKLI के नाम से एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। साबिक दौरे हकूमत में इस आवाम दोस्त मनसूबे और इसके मसीहा सिफ्त मुंतजमीन की पर क्या बीती, इस अफसोसनाक हकीकत से पाकिस्तान का हर फर्द आगाह है। ये कहानी अकरबा परवरी, जाती अना और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। हमें ये फख्र है कि अवामी फलाह के इस कौमी मंसूबे का हम दोबारा आगाज करने जा रहे हैं। जिसके लिए 5 अरब रुपए आइंदा माली साल के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तारीख में अवाम के लिए मुफ्त अद्वियात फराम करने का एजाज हासिल करने वाली पहली सियासी जमात है। दूसरी तरफ ऐवान के उस जानेब बैठे हुए दोस्तों की जमात को ये मुनफरद एजाज हासिल है कि उसने इक्तदार संभालने के बाद जो अव्वलीन इकदाम किए उनमें अवाम के लिए मुफ्त अद्वियात की फरामी का खात्मा भी बदकिस्मत था। मैं नहायत खुशी के एहसास के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब की हकूमत ने वज़ीर आला पंजाब की खसूसी अहकामात के ऊपर 1 जुलाई 2022 से सूबे भर के सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फरामी के सिलसिले को बहाल करने का फैसला किया है। तमाम सूबे की OPDs के अंदर, इन पेशेंट और इमरजेंसीज के अंदर, DHQs के अंदर, THQs के अंदर, RHCs के अंदर और BHUs के अंदर जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकाम से 1 जुलाई से हर गरीब को मुफ्त दवाई इंशाल्लाह दी जाएगी। मैं इस मौके पर सूबे भर में कैंसर में मुब्तला गरीब मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फरामी बहाल करने का ऐलान भी कर रहा हूं। कैंसर में मुब्तला गरीब लोगों के लिए ऐवान के उस जाने बैठे हुए मुअज्जज साथी अराकीन को मुबारक हो कि खिदमत खल्क के इस सिलसिले को रोकने का सहरा भी इन्हीं के सरों पर जाता है।